सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स वेलकम टू डिफेंस अड्डा डिफेंस अड्डा पे आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज योर साइंस मेंटर अमित सिंह इन फ्रंट ऑफ यू दोपहर के बारह बजे वापस से हम हाजिर हैं कल हमने सी ए पी एफ प्रैक्टिस सेट वन प्रैक्टिस करा था और आज दोबारा हम प्रैक्टिस सेट टू डिस्कस करने वाले हैं रोजाना ये जो प्रैक्टिस सेट्स है इससे फायदा क्या होने वाला है इससे वी विल हैव अ स्ट्रांग होल्ड ऑन हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन आर एग्जामिनेशन जैसे कि मैंने बताया था कि CAPF में साइंस एंड टेक ऑन जनरल साइंस दीस आर द बेसिक टू पार्ट्स इन साइंस और इनमें दोनों का ही आपको खास ध्यान रखना है एंड टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ अर फुल कम्युनिटी ड्यूरिंग कोविड नाइनटीन आर स्टाफ इंक्लूडिंग आर टीचर्स आर वर्किंग फ्रॉम होम सो वी रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स टू बी सपोर्टिव इन केस ऑफ एनी चैलेंज और इश्यू फेस ड्यूरिंग योर लाइव क्लासेज वी वैल्यू वैल्यूर सपोर्ट एंड एसोसिएशन विद अस इसी बीच ऐप्टर ट्वेंटी फोर सेवन आप सभी के लिए सेवेंटी सेवन परसेंट की भारी छूट ऑन ऑल योर महापैक्स इंक्लूडिंग डिफेंस का महापैक तो डिफेंस के महापैक को सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन करें अपने लाइव पेड बैच को सीएपीएफ की जो कि स्टार्ट हो चुकी है तो यू कैन एनरोल योर सेल्फ टू द बैच बाई बाइंग डिफेंस का महापैक बाई बाइंग डिफेंस का महापैक कूपन कोड वाई डबल टू थ्री आपको अप्लाई करना है यू हैव टू विजिट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एप बाई इंस्टॉलिंग इट ऑन योर मोबाइल फोन या फिर जो भी आप इंटरनेट uh, से करना चाहते हैं ऑन योर लैपटॉप यू कैन मूव इन टू योर डायरेक्ट वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम विच ए वेरी सुटेबल फॉर यू बट कोड अप्लाई कर लेना वरना डिस्काउंट मिस हो सकता है एंड याद रहे लाइव इंटरेक्टिव सेशंस या फिर वीडियो कोर्स या फिर सीरीज ई बुक्स और हार्ड कॉपी बुक्स सारे ही अवेलेबल होती हैं इन योर महापैक्स चलिए सी एफ प्रैक्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज एग्रावेटेड बाई एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण के कारण कौन सा निम्नलिखित नहीं है एस्तमा न्यूमो न्यूमोनिया ट्यूबेकिलासिस या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहता है इनमें से कौन वायु प्रदूषण के द्वारा नहीं होता इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण के द्वारा नहीं होता एस्थमा न्यूमोनिया या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ए बी सी और डी बेटा तो सीएपीएफ का पेपर टू, भी है। पेपर, पेपर टू दोनों ही पढ़ाया जाता है बताइए व्हाट शुड बी द द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय अग्रवेशन ऑफ एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण के कारण कौन सा निम्नलिखित नहीं है एस्थमा न्यूमोनिया ट्यूबरकुलोसिस or chronic bronchitis A, B, C or D. Which of the following is not caused by aggravated, it, it is not caused or aggravated by air pollution. It is not caused or aggravated by air pollution. Asthma, pneumonia, tuberculosis or chronic bronchitis. तो एस्थमा हो न्यूमोनिया हो या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो दे आर कॉज बाई एयर पोल्यूशन दे आर कॉज्ड बाई एयर पॉल्यूशन एयर पोल्यूशन दीपिका आपका जवाब गलत है सी इज द करेक्ट आंसर अभि मिश्रा यू आर राइट ट्यूबरक्यूलासिस एक ऐसी बीमारी है ट्यूबरक्यूलासिस एक ऐसी बीमारी है जिसे हम तपेदिक कहते हैं एंड इट इज कॉज बाई माइक्रोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्यूलॉसिस एंड ये करता क्या है वट डज इट डू ये क्या करता है कि ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करता है यानी श्वसन नली में वहाँ जाने के बाद इट सिक्रीट्स अ न्यूरोटॉक्सिन एक जहर छोड़ता है इट् सिक्रीट्स न्यूरोटॉक्सिन और उस न्यूरोटॉक्सिन का नाम है ट्यूबर क्यूलिन उस न्यूरोटॉक्सिन का नाम है ट्यूबर क्यूलिन ट्यूबर क्यूलिन अब इस ट्यूबर क्यूलिन से होगा क्या इस ट्यूबर क्यूलन से की भी स्थिति बन जाएगी न्यूमोनिया की भी कंडीशन बन जाएगी जिसमें एक्सेसिव म्यूकस यानी बलगम का फॉर्मेशन होने लगेगा जैसे अमूमन आज तौर पे आप कोविड uh, वाले इंफेक्शन में देख रहे हो और साथ ही साथ सांस लेने में भी तकलीफ होगी क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा वो ब्लॉक्ड होगा ठीक है तो एस्थमा न्यूमोनिया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी स्थिति ट्यूबर में बनती है लेकिन इसका कारण एयर पोल्यूशन नहीं है लेकिन न्यूमोनिया और क्रॉनिक एयर पोल्यूशन से होती है लेकिन ट्यूबर एयर पोल्यूशन से नहीं होती करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टू द कलर ऑफ काउज मिल्क इज स्लाइटली येलोइश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अब आजकल के तो जो शहर के जो पैकेट वाले दूध हैं टोन्ड मिल्क डबल क्रीम सिंगल टोंड टौन, डबल टोन्ड उसमें तो आप कलर का विभेद या डिफरेंस नहीं पहचान पाएंगे लेकिन कभी अगर गाय के थन से जब दूध निकलते हुए आपने देखा होगा तो एक दूध के ऊपर हल्का सा येलोइ टेक्सचर, एक पीले सा एक पीले कलर का एक परत सा चढ़ा हुआ आपको दिखता है आपसे सवाल यह पूछा गया कि कलर ऑफ काउज मिल्क यानी गाय के गाय का जो दूध है वो हल्का पीला किसकी वजह से होता है राइब्यूलोज की प्रेजेंस की वजह से या फिर बीटा कैरोटीन की वजह से लैक्टोज की वजह से या फिर क्लोरोफिल की वजह से ए बी सी और डी जल्दी जवाब दें जी बताइएगा क्या होगा जवाब तो हम जानते हैं कि गाजर यानी कैरेट कैरेट जो होता है गाजर जिसे हम कहते हैं वो गाजर भी जो ऑरेंज या हल्का पीला दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है तो वो दिखता है बीटा कैरोटीन की वजह से बीटा कैरोटीन की वजह से और यही लिवर जब हम कैरेट खाते हैं तो लिवर करता क्या है इस बीटा कैरेटीन को किस में बदल देता है इसको विटामिन ए में बदल देता है विटामिन ए में बदल देता है ये लिवर का एक फंक्शन भी है गाय के दूध में जो हल्का पीलापन है वो किसके वजह से है बीटा कैरेटीन की वजह से करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज का तो कलर व्हाइट है और क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है एंड राइब्यूलोज इज कलरलेस अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थ्री ओपियम इज ऑप्टेंड फ्रॉम अफीम किससे प्राप्त किया जाता है रूट्स जड़ों से बार्क छाल से ड्राइड लीव सूखे पत्तों से या ड्राइड लैटेक्स सूखे लैटेक्स से ए बी सी या डी अफीम किससे प्राप्त किया जाता है बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन गाइस गिव योर आंसर्स एंड शेयर द सेशन सर आई वाज सफर टू चलिए ओपीएम इज ऑपटेन फ्रॉम अफीम किससे प्राप्त किया जाता है रूट्स बार्क ड्राइड लीव या ड्राइड लैटेक्स जड़े छाल सूखे पत्ते या सूखे लैटेक्स ए बी सी या डी आंसर गाइज क्वेश्चन नंबर थ्री सो द फर्स्ट आंसर इज कमिंग फ्रॉम अराधना सी संग सी ड्राइड लीव्स अगर अफीम के बारे में आपको वैसे पता भी कैसे होगा ये जो पेड़ होता है ना ओपीएम पॉपी जो चरस गांजे का जो पेड़ होता है उसके जो लीव्स होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं उसके जो ऐसे लीव्स होते हैं अब ये जब सूख जाते हैं ना तो इसका जो लैटेक्स होता है लैटेक्स मतलब इसके अंदर से जो रस निकलता है उसके अंदर से जो रस निकलता है इसको फिर हाथों में हल्का हल्का तेल लगा के और वो ऐसे ऐसे रब किया जाता है ना जहां अफीम की खेती होती है वहां अफीम को इसके लैटेक्स से निकाला जाता है इसके गोंद से उसके रस से सैप से तो इट इज ऑपटेन फ्रॉम द ड्राइड लैटेक्स जिसे गांजा कहते हैं दैट इज लीव्स

फंक्शन ओनली केवल हृदय समारोह के की समाप्ति हो चुकी है समाप्ति हो चुकी है सेसेशन ऑफ किडनी फंक्शन ओनली यानी केवल गुर्दे की कार्य समाप्त हो चुकी है आप किस मरते हुए इंसान से किडनी ले सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हो या सोमैटिक नर्वस सिस्टम का हो या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय यानी हृदय से संबंधित जितना भी सर्कुलेटरी पाथवे है वो स्टॉप हो गया हो या एक ऐसे मरते हुए व्यक्ति से जिसकी श्वसन संबंधी सारी कार्य प्रणाली समाप्त हो गई हो या फिर एक ऐसे बंदे से जिसकी किडनी काम करनी बंद हो गई हो किससे आप किडनी लोगे एक ऐसे बंदे से जो कि मर रहा होगा ट्रांसप्लांट के लिए किससे लोगे ए बी सी या डी मित्तल मेहरा शिप्रा वर्मा मिस्टी राज वेलकम सो आंसर नंबर फोर आया है सी सेसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन बट इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बेटा देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका कार्डियक फंक्शन अगर बंद हो जाएगा अगर कार्डियक फंक्शन बंद हो जाएगा मतलब हृदय बंद हो जाएगा तो क्या बंद हो जाएगा सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और अगर सर्कुलेशन बंद हो गया सर्कुलेशन बंद हो गया तो प्योर और इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा प्योर और इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा ट्रांसपोर्ट क्या होगा रुक जाएगा ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा तो क्या होगी ऑर्गन फेलियर तो अगर ऑर्गन फेलियर हो गया तो फिर किडनी लेके ही क्या करोगे किसी का किडनी लेके ही क्या करोगे जब किडनी खराब हो जाएगा तो बी तो नहीं होगा फिर सेसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन जिसकी श्वसन संबंधी चीजें खराब हो गई हैं तो अब जिसका फेफड़ा खराब हो गया है, जिसका फेफड़ा खराब हो गया लंग्स खराब हो गया तो लंग खराब हो गया तो अब प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड तो होगा नहीं अब खून साफ ही नहीं होगी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होगी नहीं अब खून साफ ही नहीं होगा तो वो खून फिर ऑर्गन के पास नहीं जाएगा तो फिर ऑर्गन फेलियर फिर ऑर्गन फेलियर और तीसरा एक ऐसा बंदा जिसका किडनी ही खराब है उसका किडनी लेने का कोई मतलब ही नहीं है तो किसका लेंगे एक ऐसा बंदा जिसका ब्रेन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन रुक गया हो ब्रेन क्या करता है कंट्रोल करता है ब्रेन एंजाइम से नहीं करता हॉर्मोन से नहीं करता बस वो कंट्रोल करता है तो उसका कंट्रोल रुक गया तो बाकी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए है थोड़े सा एनालिटिकल सोचिए सवालों को सवाल कभी कभी सवाल के जो ऑप्शन है वो बयान दे देते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फाइव द पिगमेंट दैट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज कहता है वह रंजक जो कि पौधों को पौधों को इंसानी शरीर को नहीं अगर एक पेड़ ही है अगर एक पेड़ ही है इस पेड़ के अंदर कई सारी ऐसी ब्रांचेस होंगी कई सारी ऐसी ब्रांचेस होंगी छोटी छोटी टहनिया सह टहनिया जो को ब्रांचेस होंगी ऐसी फैली होंगी तो कहता है कि वह रंजक जो पौधे के शरीर में प्रेजेंट है जिससे वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से अपने आप को बचा लेती है उस रंजक का नाम बताइए उस अल्ट यूवी रे से बचाने वाले उस पिगमेंट का नाम बताइए जो पिगमेंट प्लांट बॉडी में होता है उस रंजक का नाम बताइए जो उस प्लांट बॉडी में होता है क्या वह क्लोरोफिल है या फिर वो कैरोटिनॉइड है या वो फाइकोसायानिन है या फिर वो प्लास्टिड है प्लास्टिड को हम हिंदी में लवक कहते हैं लवक जो होते हैं रंगों के आधार पर अलग अलग तरीके के होते हैं जिसमें रंग हो उसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं जिसमें रंग हो उसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं जिसमें रंग ना हो उसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं और जिसमें हरा कलर हो उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं कुछ फैट और प्रोटीन स्टोर करने वाले हैं उसे हम अल्यूरोप्लास्ट अल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर करने वाले और इलाइयोप्लास्ट जो फैट स्टोर करने वाले लवक होते हैं वो भी होते हैं लेकिन सवाल है कि वह रंजक जो यूवी रे से बचाता है यूवी रे से बचाता है वो क्या है अभी तक किसी ने जवाब सही नहीं दिया मिस्ट्री आज आपका पहला क्लास है एंड आई होप यू आर एंजॉइंग विद द डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी सवाल तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी दैट इज कैरोटीनॉइड जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होती है ना जो कैरोटीन की पिगमेंट्स होती है आपको पता है जो गाजर में बीटा कैरोटीन होती है जो कि एक कैरोटीनॉइड पिगमेंट है बीटा कैरोटीन जिस गाजर के बारे में हम बात कर रहे थे दैट बीटा कैरोटीन इज एंटी कैंसरस इन नेचर इट इज एंटी कैंसरस इन नेचर उसी प्रकार से हल्दी आजकल वो आपने सुना होगा कोविड में सबसे ज्यादा दूध में हल्दी डाल के पियो इम्यूनिटी बढ़ेगी इम्यूनिटी बढ़ेगी क्योंकि टर्मरिक इंफेक्शन को काटने के अलावा में है कुकुरमिन एंड दैट इज एन कैंसरस एजेंट वो भी क्या है एंटी कैंसर नेचर है शलगम बीटरूट ये सब क्या है एंटी कैंसर नेचर है इनको खाने से कैंसर जल्दी नहीं होता ठीक है ना शहद जो ओरल कैंसर के पेशेंट है कोई कई ऐसे ओरल कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिनको हीलिंग के लिए उनके टिश्यू को रिपेयर करने के लिए शहद और हल्दी का जो एकदम शुद्ध हल्दी हो ये पैकेट वाला नहीं शहद और हल्दी का लेप लगाया जाता है इंटरनल लेयर्स पे ताकि हीलिंग फास्ट हो इतनी तेज आ, इसके गुण है हल्दी के इसीलिए प्राचीन काल से एंशियन टाइम्स इसे शादी के आ, रस्म में क्रियाकर्म में कोई भी पूजा विधान में हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है इट इट इज जस्ट बिकॉज इट है ना? चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कैरोटीनॉइड था कैरोटेनॉइड के वजह से यूवी रेस से पौधा चाह पाता है अपने आप को करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाई कहता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स किसके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से एस्परजेलस से पेनिसिलियम से या एंटीबायोटिक क्या होता है ये तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स उसे हम कहते हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वो उसे हम कहते हैं विच कैन हील ओवर वाइड रेंज ऑफ वाइड रेंज ऑफ पैथजें और बैक्टीरिया है ना जो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया और उनके मॉडिफिकेशन के ऊपर असरदार हो उसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं और जो स्पेसिफिक uh, एंटीबायोटिक्स uh, कहते हैं वो लिमिटेड रेंज होती हैं। और कुछ होती है टारगेट स्पेसिफिक

है ना जितने भी तरह के बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे लगभग ज्यादातर जितने भी उनके प्रकार हैं उन सब पर क्या होता है ये प्रभावी होता है सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सेवन ड्रग विच हेल्प्स टू रिड्यूस एंजाइटी एंड ब्रिंग अबाउट कामनेस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से पूछा जाने वाला यह सवाल कि वह ड्रग जिससे थोड़ी सी शांति मिलती है जिससे थकावट थोड़ी सी दूर होती है और थोड़ी सी शांति मिलती है वैसे ड्रग को क्या कहा जाता है ट्रैंक्विलाइजर डायोरेटिक एनलजेसिक या एंटीहिस्टामिन ए बी सी या डी बिल्कुल अभी मिश्रा स्टेप्टोमाइसिस क्लोराम ये उनके जवाब हैं क्वेश्चन नंबर सेवन गिव द आंसर एंड शेयर द सेशन एंड एक और बात कंफर्म करनी थी बच्चों आप सभी से कि इज दिस टाइमिंग करेक्ट सुबह सात बजे आप कोई नहीं उठ पा रहे थे नो बडी वॉज कमिंग ऑन द सेशन सो कल सेट वन था आज सेट टू था दोनों ही मैंने बारह बजे लिए थे इज दिस टाइमिंग ओके फॉर यू ऑल क्या ये समय आप सबके लिए सही है तो मैं इस टाइम को फिक्स करवा लूंगा एक बार इसका जवाब जरूर देना तो जवाब आया है क्वेश्चन नंबर सेवन ए ट्रैंक्लाइजर शिप्रा वर्मा का भी ट्रेंकुलाइजर ही है Uh, शक्ति राज अभिमिश्रा एंड राज ने भी यही जवाब दिया है मैं आपको बताऊं एनल जेसिक्स या टेकन ड्यूरिंग एलर्जी एलर्जिक रिएक्शंस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस एलर्जिक रिएक्शंस जब बॉडी में होती है तो एंटीहेस्टामिन लेते हैं एनल जेसिक्स कब लेते हैं वेन यू हैव वेन यू हैव लाइक पेन्स फॉर रिड्यूसिंग पेन्स फॉर रिड्यूसिंग पेन ठीक है डायरेटिक्स वाटर डायूरेटिक्स फॉर मेंटेनिंग वॉटर बैलेंस फॉर मेंटेनिंग वॉटर बैलेंस ठीक है और ट्रैक् अबाउट टू ब्रिंग कामनेस एंड रिड्यूस एंगजाइटी शांति देने के लिए और थकावट को दूर करने के लिए जनरली इसी को हाई डोजेस में जनरली इसी को हाई डोजेज में इन हाई डोजेज इन हाई डोजेज दे आर given to big cats to control them. To control them, जो बड़ी बिल्लियां होती हैं यानी लायन, शेर पैंथर जगुआर मैं सबके नाम नहीं लिख पा रहा इसलिए क्योंकि क्योंकि काफी जगह भी हो जाएगा और बड़ी बिल्लियों से आप समझ रहे हो पाइथ जगुआर देन यू हैव लायन टाइगर जितने भी ये सब हैं जानवर चीता इन सब को पकड़ने के लिए क्योंकि ये मांसाहारी और खूनखार होते हैं तो इनको पकड़ने के लिए ट्रैंक्लाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है डार्ट के थ्रू जैसे ही वो डार्ट लगती है उनको ट्रेंकुलाइजर अंदर जाता है तो दे गेट कामनेस एंड दे बिकम अनकॉन्शियस फॉर समाइम तब हम उनको जैसे वाइल्ड लाइफ में अब आप कहोगे कि सर करना ही क्यों है क्यों कंट्रोल करना है वाइल्ड लाइफ में उनकी मात्रा को बचाए रखने के लिए इस पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वाइल्ड लाइफ में भी जो कोर एरिया बफर जोन ग्रीन जोन ब्लू जोन रेड जोन बनी होती है वो इसलिए बनी होती है ताकि कुछ हिस्सों में जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं वो जाएं और वाइल्ड लाइफ के इस हिस्से को बचाए भी रखें उनको टाइम टाइम पे वैक्सीनेशन किसी बड़े डिजीज होने हुए हो, हो, हो जाने पर उनका बचाव टाइम टाइम पर करना होता है और यह आसान नहीं होता कि खूनखार जानवरों को आप पकड़ के आप आराम से कह लो कि बेटा आओ कोविड का इंजेक्शन लगा लो ठीक है ना अगर आगे ये बाकी जीवों में फैलने लगा तो देअर विल बी अ टाइम कि मास वैक्सीनेशन हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए भी करना होगा जिनमें इन ट्रैक्विलाईजर्स का ही सहारा लेना पड़ेगा आई होप यू अंडरस्टैंड सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर एट द इनक्रीज इंसिडेंस ऑफ फ्लड्स इन रिसेंट टाइम्स इन नॉर्थ इंडिया ड्यू टू आपने हाल ही में पिछले साल आपने सुना होगा कि उत्तर भारत में बहुत ज्यादा बारिश हुई इसकी वजह क्या थी इंक्रीज्ड इन द एनुअल रेनफॉल पूरे साल बारिश हुई थी उसकी मात्रा की वजह से या इंक्रीज्ड इन द सिल्टिंग ऑफ डैम्स नदियों के बगल में जब जो जमीन होती है वो अक्सर नदी के बहाव से कटती रहती है टूटती रहती है है ना ज्वार भाटा आने के वजह से इंक्रीज्ड डिफॉरेस्टेशन इन द कैचमेंट एरिया या फिर ज्यादातर पेड़ की कटाई हुई नदी के किनारों पर इसलिए ऐसा हुआ या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं जो हाल ही में बारिश ज्यादा हुई उत्तर भारत में उसका कारण क्या हो सकता है ए बी सी और डी तो आप सभी ने टाइमिंग के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया क्वेश्चन नंबर एट का जवाब आ रहा है सी इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन एंड बिल्कुल सही जवाब जो हाल ही में ये जो बारिश बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी है ये इसलिए बनी है क्योंकि हाल हा, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बारिश के होने की वजह से बाढ़ आया फिर नदी के बहाव में भी थोड़ी सी इं, इंक्रीमेंट हुई है ना इट इज ऑलरेडी इट इज ऑलवेज ड्यू टू इट इज ऑलवेज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन जब भी पेड़ों की कटाई होगी तो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल ecological... मुझे उम्मीद है मेरी आवाज अब आप तक आ रही होगी एम आई ऑडिबल एम आई ऑडिबल अब आ रही है ना यस चलिए तो इसकी वजह क्या थी इसकी सही वजह थी ऑप्शन नंबर सी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर द कुकुमिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम कुकुरमिन किससे अलग किया जाता है गार्लिक से टर्मरिक से सनफ्लावर से या रोज फ्लावर से लहसुन हल्दी सूरजमुखी या गुलाब का फूल कुकुरमिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम गार्लिक टर्मरिक सनफ्लावर और रोज फ्लावर ए बी सी या डी किससे आइसोलेट किया जाता है गार्लिक टर्मरिक सनफ्लावर और रोज फ्लावर ए बी सी या डी क्वेश्चन नंबर नाइन बताइएगा क्या होगा सही जवाब गार्लिक कुकुरैन सनफ्लावर और रोज फ्लावर ए बी सी और डी कुकुरमेन इज आइसोलेटेड फ्रॉम राहुल विश्वकर्मा का जवाब है ए जो कि गलत है जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कुकरमेन हम किससे आइसोलेट करते हैं कुकरमेन इज आइसोलेटेड फ्रॉम टर्मरिक हल्दी से टर्मरिक यानी हल्दी से इसे प्राप्त किया जाता है करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टेन द साइंस ऑफ डैक्टाइलोग्राफी इज कॉमनली नोन एज डैक्टाइलोग्राफी के विज्ञान को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है कार्बन डेटिंग वाटर प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कार्बन डेटिंग जल मुद्रण फिंगर प्रिंटिंग या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम साइंस ऑफ डैक्टाइलोग्राफी इज कॉमनली नोन एज साइंस ऑफ डैक्टाइलोग्राफी इज कॉमनली नोन एज ए बी सी और डी The science of dactylography is commonly known as carbon dating, water printing, fingerprinting, or electrocardiogram. A, B, C, or D. The science of dactylography is commonly known as carbon dating, water printing, fingerprinting, or electrocardiogram. A, B, C, or D. And the correct answer is option number C. Fingerprinting ke. Fingerprinting ke vigyan ko hum. आर्ट ऑफ या साइंस ऑफ डेक्टाइलोग्राफी कहते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर वन ऑफ ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज डिवॉइड लाइन सेंस इसमें पार्श्व रेखा जो पार्श्व रेखा भावना अंग सेंस ऑर्गन होती है जो नहीं होती इनमें से वो कौन है लैबियो कातला सीहॉर्स या लैबियो कातला सीहॉर्स या मागूर, सी सी मागूर इनमें से किसके पास लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन नहीं होती ए बी सी या डी क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज डिवॉइड ऑफ लैटर लाइन सेंस ऑर्गन्स कल मैंने कल शायद टीचर्स वाले क्लास पे मैंने आपको बताया था एक आम कतला या रोहू मछली को अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसी दिखती है ना ये होती है इसकी टेल फिन ये होती है इसकी टेल फिन ये होती है इसकी डॉर्सल फिन ये होती है इसकी पेक्टोरल फिन ये इसकी पेक्टोरल फिन होती है यहाँ होती है इसकी कॉर्डल फिन इसे हम कहते हैं फिन कॉर्डल फिन और ये होता है पेक्टोरल फिन और एक इस तरफ होती है जिसे हम कहते हैं एनल फिन और ये होती है टेल फिन ये इसका आँख हो गया और इस तरफ ये ओपरक्यूलम होता है गलफड़ जिसे कहते हैं और ये इसके शरीर पे स्केल्स होते हैं डर्मल स्केल्स इसके शरीर पे कुछ इस तरीके से ऐसे होते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे डर्मल स्केल्स होते हैं ठीक है कुछ इस तरीके से एक मछली होती है अब ये मान लो एक लैबियो रोहिता यानी रोहू फिश ही है इसे हम रोहू फिश कहते हैं कातला भी कह सकते हो कातला फिश और मागूर थोड़ी दूसरे तरीके की दिखती है लेकिन वो भी एक फ्रेश वाटर फिश है तो ए बी और डी ये फिशेज हैं मछलियां हैं लेकिन सी हॉर्स हिपो जिसे हम कहते हैं इट इज नॉट अ फिश इट इज नॉट अ फिश और इसके पास लैटर लाइन सेंस ऑर्गन भी नहीं होता इनके पास लैटर लाइन सेंस ऑर्गन जो होता है मछलियों के पास एकदम बीचों बीच कुछ इस तरीके से होता है दिस इज कॉल्ड लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन ठीक है चलिए अगले जवाब की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन ब्लड डज नॉट क्वेगुलेट इन साइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड डॉट क्वेगुलेट इन साइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रक्त किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर नहीं क्वेगुलेट करता है प्लाज्मा हीमोग्लोबिन हेपरिन या फाइब्रिन ऐसा रक्त में क्या है जिसके वजह से ब्लड जो है क्वागुलेट नहीं करता प्लाज्मा हीमोग्लोबिन हेपरिन या फाइब्रिन ए बी सी या डी बी फास्ट ब्लड डज नॉट क्वेगुलेट इन साइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा हीमोग्लोबिन या फाइब्रेंट ब्लड के अंदर ऐसा क्या होता है तो जब आपको लिवर मैंने पढ़ाया था पेट बाछूस में या अगर नहीं भी पढ़े हो तो आप आज जान लो लिवर का एक फंक्शन होता है जिसे हम यकृत कहते हैं लिवर का एक फंक्शन होता है जिसे हम यकृत कहते हैं इसकी क्या फंक्शन है कि ये एक एंटी को इट सिंथे इट सिंथे एन एंटीक्वागुलेंट एंटी कोगुलेंट वो होता है जो रक्त को लिक्विड स्टेट में रखेगा विच कीप्स ब्लड इन लिक्विड स्टेट विच कीप्स ब्लड इन लिक्विड स्टेट विच कीप्स ब्लड इन लिक्विड स्टेट और उस एंटीक्वागुलेंट का नाम है हेपरिन, एच ई पी ए आर आई एन उस एंटीक्वागुलेंट का नाम हैपरिन ठीक है ना ठीक है और ये येपरिन ही यहाँ आपको क्या दिख रहा है सवाल पूछ रहा है कि रक्त के अंदर ऐसा क्या है तो लिवर जो हैपरिन बनाती है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है जिसके वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करती हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में हीम हीम जो है वो फाइव परसेंट होता है और वो है आयरन एफ ई टू प्लस और ग्लोबिन जो है वो नाइनटी फाइव परसेंट पार्ट होता है जो कि होता है प्रोटीन पार्ट प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा 53 थ्री uh, 55.3 होता है 55.3 परसेंट होता है ब्लड में और 44.7 परसेंट होती है कॉर्पसल्स ध्यान रखिएगा इस प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा के प्रोटीन्स भी होते हैं फाइब्रिन की बात करें तो फाइब्रिन रक्त के थक्के को कहा जाता है अब सवाल ये पूछ रहा था कि ब्लड के अंदर ऐसा क्या होगा जिसके वजह से वो क्लॉट नहीं करेगा तो प्लाज्मा की वजह से क्लॉट नहीं होगी बल्कि प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा के प्रोटीन्स होते हैं उनमें दो प्रोटीन जिनका नाम है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ही जिम्मेदार है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ही जिम्मेदार है तो प्लाज्मा तो किसी भी सूरत पे नहीं हो सकता था हीमोग्लोबिन में रक्त को लिक्विड स्टेट में रखने वाली ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही और फाइब्रिन खुद एक रक्त का थक्का है तो सही जवाब क्या बनता है ऑप्शन नंबर सी बनता है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ मॉलिक्यूल इन प्लांट्स कंपेरेबल टू हीमोग्लोबिन इन एनिमल्स कहता है कि एक ऐसा अणु पौधों में आप बताइए जो कि जानवरों में हीमोग्लोबिन के साथ हम रिलेट कर सकते हैं इज इट साइटोक्रोम सेल्यूलोस क्लोरोफिल और कैरोटीन ए बी सी और डी अ मॉलिक्यूल इन प्लांट्स कंपेरेबल टू हीमोग्लोबिन इन एनिमल्स इज साइटोक्रोम सेल्यूलोज क्लोरोफिल कैरोटीन आपको हीमोग्लोबिन के कंपेरेबल प्लांट्स में एक ऐसा मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है साइटोक्रोम सेल्यूलोज क्लोरोफिल एंड

yourself within its surroundings तो थोड़ा जगह चाहिए होता है फैल के पढ़ाने का तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एनिमल्स में हीमोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में है तो एनिमल्स में हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है एच बी टू ओ फोर एच बी टू ओ फोर मतलब चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ठीक है ना तो ब्लड लॉस मतलब ऑक्सीजन लॉस ये भी ध्यान रखना ऑक्सीजन लॉस मतलब ब्लड लॉस दोनों ही साइड एकदम ट्रू है ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है श्वसन का रंजक है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा साइटोक्रोम सेल्यूलोस क्लोरोफिल या कैरेटीन सो so करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें जैसे हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है प्लांट में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है साइटोक्रोम या कैरेटीन करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरोफिल बिल्कुल सही जवाब इसका सही जवाब पिगमेंट के रेस्पेक्ट में ऑप्शन नंबर सी है अगला सवाल इन प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो मर जाएगा इंसानों में हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा तब मर जाएगा इन प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स सिंबल साई डब्ल्यू इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोसिस पौधे और जल के जब हम संबंध को समझते हैं तो साई डब्लू इसे हम कहते हैं साई पी एस आई पढ़ते हैं साई लिखते हैं पसाई लेकिन पढ़ते हैं साई कहता है पौधे और जल के बीच में जब हम रिश्ते समझते हैं तो वॉट इंडिकेट साई डब्लू डज इट इंडिकेट ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब परासरण दाब को संबोधित करता है या फिर यह वाटर पोटेंशियल यानी जल की क्षमता को संबोधित करता है या फिर यह सॉल्यूट पोटेंशियल यानी जो उसमें ठोस पदार्थ होंगे उनके क्षमता की बात कर रहा है ठोस क्षमता की बात कर रहा है या फिर ऑस्मोसिस यानी परासरण को संबोधित करता है डब्ल्यू एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी अभी मिश्रा शिप्रा वर्मा यू आर राइट वाटर की पोटेंशियल को वाटर की पोटेंशियल को है ना ड्यूरिंग कैपिलरी एक्शन जब जल नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती है उस वाटर की पोटेंशियल को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ठीक है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये जो सवाल था किस टॉपिक से था तो टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पौधों में परिवहन किस तरीके से होता है जिसमें कई सारी चीजें हैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपिरेशन प्लाज्मोलाइसिस है ना एम्बाइबिशन उसके बाद एम्बाइबिशन के अलावा और क्या कह सकते हो ट्रांसपीरेशन हो गया कहता हूं कि कंटेंट पढ़ना जरूरी है देखिए कभी भी किसी भी क्षेत्र में या वो एग्जाम हो या वो एक्सपोर्ट हो या वो कोई एक्टिविटी हो इफ यू हैव टू बी एट द टॉप इफ यू वॉन्ट टू बी नोअर ऑफ समथिंग हाँ कि मुझे आता है बस इतना भी चाहिए आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑन द टॉप आई जस्ट वॉन्ट टू नो इट फॉर दैट टू यू नीड टू स्टडी पढ़ना तो पड़ेगा ठीक है ना एंड वेन यू डू योर स्टडी ऑन अ रेगुलर वे इन अ डिजाइन वे इन अ पार्टिकुलर वे एज टू यू नो दैट मतलब अपने जिंदगी को कुछ इस तरीके से आपने सजाया है कि उसके लिए किसी लिखित शेड्यूल की जरूरत नहीं है जस्ट नो वॉट यू नीड टू डू टू डे बस इतना मैटर करता है किसी भी स्टूडेंट के जिंदगी में किसी भी एस्पेरेंट के लाइफ में सो ऑलवेज रिमेम्बर शेड्यूल्स क्रिएटिंग अलार्मर्क हैं बिग बिग माइल स्टोन वाले प्लेकार्ड नेवर वर्क इट इज ओनली दैट वर्क इज द प्रेजेंट डे इन विच यू आर वर्किंग सो ऑलवेज यूटिलाइज योर लास्ट डे लास्ट डे इसलिए मैं कहता हूं कि मान लो अगर ये आज आपका आखिरी दिन होता इस खूबसूरत धरती पे तो वॉट वुड यू वॉन्ट टू डू ये सोच के आप हर दिन का यूटिलाइज करें हर दिन का यूटिलाइज आप इस तरीके से करें कि आई वॉन्ट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द डे इस दिन का सबसे बेहतर मैं आज इस्तेमाल करूंगा या करूंगी देन यू विल सी सक्सेस प्राइड हैप्पीनेस प्रोस्पैरिटी ये सारे वर्ड्स बहुत ही कमजोर पड़ जाएंगे आपके आगे क्योंकि ये सब ऐसे टोकन्स होते हैं दैट अ पर्सन रिसीव इन द सोसाइटी आफ्टर अचीविंग समथिंग बट व्हेन यू आर द पाथ जब आप खुद एक रास्ता बन जाओगे तो फिर आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी यू विल बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड जहां आपके जो आ, आ, कह सकते हो कि जो डिफरेंट आपके ग्राफ्स हैं जो डिफरेंट डायमेंशन उसको आप देखने लगोगे अभी आप इस भीड़ के हिस्से हो तब आप उस भीड़ को संभालने लगोगे समझ रहे हैं आप अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। ब्लड प्रेशर में बी इंक्रीज बाई द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ रक्तचाप यानी जो बीपी है वो किससे बढ़ सकती है थायरोक्सिन के अतिश्राव से टेस्टोस्टेरॉन के अतिश्राव से एस्ट्राडियोल के अतिश्राव से या फिर मैं एक और ऑप्शन लिख देता हूं एक और ऑप्शन लिख देता हूं अड्रीनलिन्रीनलिन के एक्सेसिव सिक्रीशन से ए बी सी और डी आदर्श सर प्लीज सजेस्ट द बुक फॉर साइंस बट आदर्श यू डोंट नीड एन ए बुक फॉर साइंस जस्ट ट्राई टू फॉलो द क्लासेस एंड नोट्स जो होंगे ना और आपकी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होगी दैट मैटर्स बुक्स बाजार में बहुत है और हर बुक में कुछ ना कुछ एक दो पन्ने इंपॉर्टेंट ही होते हैं ठीक है ना तो उनकी जिस्ट आपको पेड बैचेस में करा दी जाती है ब्लड प्रेशर में बी इंक्रीज बाई एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थेपीनेस बिल्कुल सही जवाब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी ये सवाल का तो जवाब गिफ्ट में मिल गया नहीं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर स्किन मोस्ट ऑफ द कस्टिशियर मेड अपाइड्रेट The outer skin of most of the crustaceans. Crustaceans का मतलब होता है जो lithospheric plate पे रहते हैं. What is lithosphere? Lithosphere is the crust on which we are we are walking or other insects are crawling. So lithospheric plate पर crawl करने वाले जो कीड़े होते हैं उसे हम crustaceans कहते हैं. जैसे spider, scorpion, केकड़ा ये सब है ना. तो द आउटर स्किन ऑफ क्रस्टेशियंस आर मेड अप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट वो एक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है इज इट सेल्यूलोज गैलेक्टोज काइटिन और स्टार्च ए बी सी या डी मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं जो जमीन पर रेंगते हैं उनकी जो बाहरी आवयू है वो किससे बनी हुई है सेल्यूलोज से गैलेक्टोज से काइटिन या स्टार्च से ए बी सी और डी बिल्कुल अभी काइटिन फंगस का भी होता है एल्गी का सेल्यूलोज गैलेक्टन्स मैनन्स होता है आपके बैक्टीरिया का पेप्टीडोग्लाइकन होता है बताया तो है मैंने सबका बताइए क्या होगा जवाब आउटर स्किन ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रस्टेशियंस आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिस कार्बोहाइड्रेट इज सेल्यूलोज गैलेक्टोज काइटिन और स्टार्च ए बी सी और डी 16 का जवाब आ रहा है सी एंड यस यू आर करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी काइटिन इज द करेक्ट आंसर जो है वो सेल्यूलोजे का है है ना स्टार्च इसका नहीं है एंड गैलेक्टोज एंड मैनन्स ये गैलेक्टन्स और मैनन्स ये भी किस में पाए जाते हैं एल्गे में पाए जाते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी जो चमकीली एक लश्चर वाली परत देखोगे ना कीड़ों में वो किसके वजह से आती है इसी काइटन के वजह से आती है ठीक है ना

पचने को हम डाइजेशन इमल्सिफिकेशन कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स बॉडी के सेल द्वारा इस फैट का एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन या फिर स्टोरेज ऑफ फैट बॉडी के सेल द्वारा इस फैट का स्टोरेज हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ए बी सी और डी क्वेश्चन नंबर 17 सेवेंटीन का ए दीपशिका आराधना अभी बिल्कुल सही जवाब वेन फैट ग्लोब्यूल्स आर ब्रोकन डाउन स्मॉल लोब्यूल्स व्हेन अ फैट ग्लोब्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल लोब्यूल्स इनटू स्मॉल लोब्यूल्स दे आर कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन अगला सवाल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय द सेल्स लाइनिंग द ओरल कैविटी स्टमक इलियम या कोलोन कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से सिक्रीट होती है ओरल कैविटी ओरल कैविटी कहाँ है स्टमक ये रहा दिस इज योर जे शेप्ड स्टमक तो कहता है इसके लाइनिंग से निकलता है एचसीएल या फिर ये आ, एक पूरा लार्ज इंटेस्टाइन बनाना पड़ेगा मुझे चलो बना ही लेते हैं आप सब के लिए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आप देख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बिंग सिक्रीटेड बाई लाइनिंग विच ऑफ द सेल्स ओरल कैविटी स्टमक इलियम या कोलोन इज इट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड बाई स्टमक ओरल कैविटी इलियम और कोलोन बताइएगा वॉट इज द करेक्ट आंसर वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर शक्ति राज आराधना शिप्रा मिथिल मेहरा अभिगुलेरिया मानु पुनिया बताइए वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने आपके सामने ये कोलोन बना दिया दिस इज द कोलोन दिस इज द कोलोन And ileum कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम शेषांत्र कहते हैं is the last part of the small intestine, जिसे हम शेषांत्र कहते हैं। एंड कोलोन इज द पाथ ऑफ फीकल मैटर कोलोन इज द पाथ ऑफ फीकल मैटर फीकल मैटर का रास्ता होता है कोलोन एंड स्टमक यानी जो अमाशा होता है दैट इज वे 50 परसेंट प्रोटीन एंड फैट्स आर डाइजेस्टेड और अमाशे की दीवारों पर यानी ऑन द वॉल्स ऑफ स्टमक अमाशे की दीवारों पर यानी ऑन द वॉल्स ऑफ स्टमक अगर हम देखें तो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रीट एच सी एल गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही क्या होता है एक टॉक्सिक टॉक्सिक नहीं कह सकते आप हाईली एसिडिक बहुत ज्यादा अमली है जिसकी पीएच 1.5 के बीच होती है, दैट इज 1.5 सिक्रीटेड फाइव के बीच uh, होती है दैट इज बिंग सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लिपिड्स प्रोटीन्स डीएनए और आर एन ए बी सी आर डी बताइएगा गाइज मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं तो आप जवाब देते रहिएगा एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं बिल्कुल अब जवाब आ रहे हैं आप सभी के बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 ट्रांसक्रिप्शन मींस द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स प्रोटीन डीएनए और आरएनए क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब आया है सर सी आराधना सी अभय मिश्रा सी सिपु नायक प्रोटीन नई बच्चे ट्रांसक्रिप्शन डीएनए ना डी राइबो न्यूक्लिक एसिड ना डी राइबो न्यूक्लिक संश्लेषण होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है ना आरएनए को हम क्या कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका सिंथेसिस होता है डीएनए का सिंथेसिस होता है ठीक है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लंग्स आर लोकेटेड इन फेफड़े कहां अवस्थित है एबडोमल कैविटी उदर भाग मतलब ये अगर समझो ना इंसान का ये पैर है तो ये वाला रीजन इज कॉल्ड एबडोमल कैविटी पेरिकार्डियल कैविटी इसके ऊपर वाला ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड नहीं ये पेरिकार्डियल कैविटी नहीं कहलाएगा पेरिटोनियल कैविटी ये वाला हिस्सा है पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना ये वाला हिस्सा दैट इज पेरिटोनियल कैविटी दैट इज पेरिटोनियल कैविटी दिस इज पेरिटोनियल कैविटी प्लूरल कैविटी आप को तो बना के दिखाना पड़ेगा प्लूरल कैविटी इज लाइक समझ लो ये लंग्स है तो लंग्स का जो कवरिंग है उसे हम प्लूरा कहते हैं तो प्लूरा इसके बीच वाले जगह को प्लूरल कैविटी कहते हैं और पेरिकार्डियल कैविटी किसे कहते हैं तो जो हमारा हृदय होता है जो हमारा हृदय होता है जो हमारा हृदय होता है हृदय भी एक बाहरी आवृत से घिरा है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम उस पेरिकार्डियम के अंदर वाले रीजन को हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं तो कहता है फेफड़े कहाँ रहते हैं तो फेफड़े आप कैविटी पेरिकार्डियल कैविटी प्लूरल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी तो ये प्लूरल कैविटी है इसके अंदर फेफड़े हैं तो सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा पिक्चर बना दिया तो ऐसे ही क्लियर हो गया नहीं अगला सवाल

तो रेटिना जो होती है हमारी आंखों की जो आंखों की हमारी रेटिना होती है जो आंखों की हमारी रेटिना होती ये आंख थोड़ा चपटा सा बन गया जस्ट गिव मी सेकंड हरबड़ी में यही गड़बड़ी हो जाती है समय हो गया ना बच्चों आज आज बीच में नेट ने धोखा दे दिया करंट ने धोखा दे दिया वरना ये सेशन आराम से तीस सवालों का होता है ये अंदर वाला जो लेयर होता है उसे हम रेटिना कहते हैं है ना यहाँ बीच में सीलियरी मसल्स होते हैं यहां लेंस होता है और ये कॉर्निया होती है ये क्या होती है कॉर्निया होती है ठीक है ना दिस इज द कॉर्निया दिस इज द लेंस दिस इज द सीलियरी बॉडी कहता है किससे कंपेयर कर सकते हो रेटिना को फिल्म लेंस शटर या कवर तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही जवाब 22 का ए आराधना बिल्कुल सही दीपिका बिल्कुल सही अगला सवाल विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑल प्रोटीन आर एनजाइम्स ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन वन ऑफ द एनजाइम्स या वन ऑफ द प्रोटीन इज एनजाइम वन ऑफ द एनजाइम इज अ प्रोटीन या वन ऑफ द प्रोटीन इज एन एनजाइम बताइए क्या सही जवाब है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ऑल प्रोटीन्स आर एनजाइम्स ऑल एनजाइम्स आर प्रोटीन वन ऑफ द एनजाइम इज अ प्रोटीन या वन ऑफ द प्रोटीन इज एन एनजाइम व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर बताइएगा देखिए इस सवाल का बहुत सीधा सीधा सा जवाब था कैसे सीधा सीधा सा जवाब था एक बार एक तो कमेंट आपका भाग रहा है आज एक सेकेंड लेट मी जस्ट सी योर कमेंट्स वंस कितने लोगों ने क्या जवाब दिया 23 बी शिप्रा वर्मा बी अभी गुलेरिया बी सिपु नायक बी दस्तगीर मुजावर बी मिथिल मेहरा बी अभी ए मैं आपको बता रहा हूं इसका सही जवाब क्या होगा जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना वो सारे प्रोटीन्स होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते ए गलत है वन ऑफ द तो सी और डी तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया एंजाइम्स जो होते हैं ना, जनरली आर टारगेट स्पेसिफिक ध्यान रखना एंजाइम्स आर टारगेट स्पेसिफिक एक्टिव साइट पे काम करता है ना बाइंडिंग साइट इनका होता है सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या है बी है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डाइजेस्टिव एंजाइम इनमें से कौन एक पाचन का एंजाइम नहीं है पेप्सिन रेनिन इंसुलिन या लाइपेज पेप्सिन रेनिन इंसुलिन या लाइपेज इनमें से कौन एक पाचन का एंजाइम नहीं है ए बी सी या डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर बहुत ही आसान सा सवाल ए बी सी या डी पाचन का एंजाइम इनमें से कौन सा नहीं है लाइपेज़ आपका जवाब गलत है लाइपेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फैट का डाइजेशन ये तो जरूरी है इंसुलिन क्या करेगा हमारे ग्लूकोज का मेंटेनेंस डाइजेशन के लिए जरूरी है आराधना 24 डी कैसे लाइपेज फैट का डाइजेशन कराता है भाई साहब मार खाओगे आप सब लोग गैस्ट्रिक जूस जो है गैस्ट्रिक जूस जो है मैंने बताया था ना जठर रस किससे बनता है पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज से पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज सारे गजनी हो गए हैं शॉर्ट टर्म लॉस गैस्ट्रिक लाइपेज ये दोनों मिलके ही बना था ना पेप्सिन के वजह से 50 फैट प्रोटीन टूट रहा था और गैस्ट्रिक लाइपेज के वजह से 50 परसेंट फैट टूट रहा है मेरे में भी टूट रहा है तुम्हारे शरीर में भी टूट रहा है फिर लाइपेज कैसे नहीं होगा डायजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन क्या होता है डायजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन के लिए रेनिन जो है रेनिन जो है इसमें आर ई एन एन आई एन ये रेनिन ठीक है ना इस इस रेनिन और इस रेनिन में अंतर है एक रेनिन है जो मिल्क डाइजेस्टिव प्रोटीन होती है बच्चों में और ये जो रेनिन है is, रेनिन फैक्टर जो कि हमारे जल के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है तो इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स इन द ब्लड आर ऑब्जॉब्ड सबसे ज्यादा अवशोषण कहां से होती है सबसे ज्यादा अवशोषण वही होगी जहां सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा तो इज इट माउथ लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन या एबडोम ए बी सी या डी large लार्ज small इंटेस्टाइन और एबडोम बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब मिल्क प्रोटीन है मिल्क प्रोटीन है एंड इंसुलिन इज फॉर कंट्रोलिंग ग्लूकोज लेवल बिल्कुल मेरे भी दिमाग में एक बार आया जब मैं सॉल्व कर रहा था ना

जो रेनिन एंजियोटेंशन फैक्टर होता है दैट रेनिन इज़ डबल और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम डाइजेशन वहीं पे बिल्कुल सही ठीक है अगला सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन सलाइवा रेन इन टाइलिन पेप्सिन तो ये बताओ बताइए क्या होगा जवाब Which of the following enzymes is found in saliva? मेरे दिमाग में जो चलती रहती है ना सवाल सॉल्व भी करता हूँ उसके बाद भी वो रहता है कि हाँ क्या क्या उसके बाद कमेंट्स देखता रहता हूँ दिस इज हाउ वी लर्न एवरी डे है ना मिस्टेक्स हो सकती है बट दिस इज हाउ एनाइजेशन आपको करते रहना है। यही चीजें यही दिक्कतें कभी कभार आप Uh, जो हम फेस करते हैं वो आप रोजाना हर क्लासेस में फेस करते हो तभी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाता है ताकि सेंटेंस को पढ़ पढ़ के क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आपका एकदम अप्रोच इतना तगड़ा हो जाए ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है जब ये समझ में आ जाएगा तो आंसर समझ में आ जाएगा जैसे इस सवाल को देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन सलाइवा लार में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है रेनिन रेनिन टाइलिन पेप्सिन रेजिन प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस में

बताइए बच्चों एंजाइम्स 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 27 का सी बिल्कुल सही जवाब सही जवाब इज ऑप्शन नंबर सी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 एट इंसेक्टिव और फिश यूज फॉर मॉस्किटो कंट्रोल वो uh, कीट भक्षी मछली जो कि मॉस्क्यूटो के लार्वा को खाती है और मॉस्क्यूटो का कंट्रोल करती है उसे हिलसा लैबियो गंबूशिया या क्या कहते हैं तो हिल्सा लैबियो और मृगला दे आर फ्रेश वाटर फिशेस, साफ पानी में रहने वाली मछलियां हैं और गंबूशिया जो है इट इज लार्वी वोरस फिश या इंसेक्टिवोरस फिश इसे हम लार्वी वोरस ज्यादा कहते हैं ध्यान रखना इसे हम लार्वी वोरस फिश कहते हैं स्क्यूटो लार्वा पे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी अगला सवाल बीएमडी टेस्टिंग इज यूज टू डायग्नोस टेस्टिंग यानी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्टिंग बोन मिनरल डेंसिटी टेस्टिंग बोन मिनरल डेंसिटी टेस्टिंग इज डन टू चेक वॉट इज डन टू चेक ऑस्टियोपोरोसिस 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 मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन बोन फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन बोन छेद का निर्माण हो जाना हड्डियों में और यह कब होता है ये कब होता है? तो लो लेवल लो लेवल या लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन की अगर कमी हो जाए महिलाओं में तो होता है और मर्दों और महिलाओं दोनों में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए कैल्शियम की कमी हो जाए तब भी होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है और आज का आखिरी सवाल गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा क्या होती है विटामिन ए बी सी या के विटामिन ए बी सी या के गोल्डन राइस हैज द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी और विटामिन के सुनहरे चावल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से विटामिन मौजूद है विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी या विटामिन के ए बी सी या डी सिपू नायक का जवाब के इज द रॉन्ग आंसर सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है के इज द रॉन्ग आंसर गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए होगी विटामिन ए होती है अभी गुलेरिया बिल्कुल सही जवाब फाइलोक्विनोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग तो ये क्यों कराएगा विटामिन सी एस एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो अलग ही बहुत सारी चीजों के लिए है और विटामिन के जिसे हम फाइलोक्विनोन कहते हैं इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इसमें सही जवाब क्या होगा रेटिनॉल गोल्डन राइस में रेटिनॉल की मात्रा ज्यादा होती है विटामिन ए की सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए इंडिया गेट वाला होता है क्या बिल्कुल चलिए इसी के साथ ये आज का सेशन समाप्त हुआ कल फिर मुलाकात होगी कोशिश यही करूंगा कि 12 बजे ही आपकी सेशन स्टार्ट हो तो आ, मुझे उम्मीद है आज, आज का ये सेशन पसंद आया हो अभी आज हमने सी ए पी एफ प्रैक्टिस सेट टू किया है प्रैक्टिस सेट टू किया है कल से प्रैक्टिस सेट थ्री की ओर बढ़ेंगे ध्यान रखिएगा कल थोड़े में क्वेश्चन के लेवल बढ़ाऊंगा लेवल थोड़ी सी इनक्रीज करूंगा कल लेवल विल बी इंक्रीज लेवल विल बी इंक्रीज टुमारो तो थोड़ा सा तैयार होकर आइएगा कल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पे ही सवाल होंगे तीस सवाल होंगे लेकिन तीसों के थोड़े से लेवल ऊपर होंगे तो प्रैक्टिस करके आना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें कल सेट थ्री में मिलते हैं ठीक बारह बजे कल दिन अपना ख्याल रखें जय दिन जय भारत जय हिंद जय भारत